मैंने 3.5 mm जैक लिया है, यह मैंने पुराने वायर हेडफोन से निकाला है, यह माइक और मैंने यह दो ऐसे छोटे छोटे ढक्कन जैसे लिए हैं, इसमें एक इसमें माइक और दूसरे इसमें जैक फिट करेंगे। तो यहाँ हमें जो है यह पॉइंट है नीच सेकेंड लास्ट, तो यहाँ मैं एक वायर अटैच करूँगा। इस तरीके से मैंने एक वायर ली है थोड़ी सी मोटी, और आप संभल के वायर का कीजिए फ्रेंड्स सोल्डरिंग, क्योंकि यह जो है यह हम मोबाइल के अंदर मोबाइल के लिए यूज़ करेंगे, तो इसमें आपका थोड़ा भी सोल्डर इधर उधर हो गया तो आपके मोबाइल ख़राब भी हो सकता है। और यह जो दूसरा वाला लेग है मैं ऊपर सोल्डर कर दूंगा। और यह वीडियो कोई फेक नहीं है फ्रेंड्स, आप इस माइक को अच्छे से यूज़ करेंगे तो 100 साल तक भी चल सकता है। तो यह जो है यहाँ मैंने सोल्डर कर दिया है, पिछली बाजू से यहाँ भी कर दिया है सोल्डर। तो अब मैं यहाँ माइक अटैच करूँगा, पर माइक अटैच करने से पहले मैं यहाँ इसमें यह डाल दूँगा। तो दोस्तों मैंने यहाँ फेविक्विक की मदद से इसको फिट कर दिया है, मतलब यह अब टूटेगा भी नहीं। और यहाँ जो है हमें वाइट कलर का पॉजिटिव है और ऑरेंज ब्लू और ऑरेंज यह निगेटिव है, तो अब मैं यहाँ निगेटिव पर सोल्डर करूँगा। आपको ये दिखेगा नहीं क्योंकि फ्रेंड्स, क्योंकि यह जो है माइक हमारा बहुत छोटा है और मेरा मोबाइल का कैमरा इतना नीचे तक कैप्चर नहीं कर पा रहा। तो दोस्तों मैंने यह सर्किट कंप्लीट कर लिया, मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखिए यहाँ मैंने माइक फिट किया है और यहाँ मैंने 3.5 mm का जैक फिट किया है। मैं आपको चेक करके दिखाता हूँ। यह मैंने यहाँ जो है हमारे जैक का पोर्ट है वहाँ मैंने अटैच कर दिया है। और मैं गया मेरी होम पेज में और आपको दिखाता हूँ। ये देखिए अब यह जो है डॉग इमेजेस, तो देखा फ्रेंड्स यह वर्क, तो यह जो है वर्क कर रहा है, हमें डॉग की इमेजेस भी दिख रही हैं यहाँ। तो अब बस आज की वीडियो में बस इतना ही। आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए।